पटना में हुए लाठीचार्ज मामले को लेकर भाजपा काफी आक्रोशित नजर आ रही है। विजय सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हस्तिनापुर की तरह फरेब की राजनीति यहां भी हो रही है। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर और बाहर विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। इस मामले को लेकर उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वो राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। पोस्टमार्टम के चोट नहीं है, ये हस्तिनापुर के गुलामों ने सबूत को मिटाने के लिए और सरकार को बचाने का ये खेल क्यों खेला है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सदन के अंदर सदन के बाहर विपक्ष की आवाज को क्यों दबाई जा रही और बाहर जब बोले तो लाठी क्यों बरसाई जा रही। आज इन तमाम विषय को लेके महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलेंगे। ये सरकार सत्ता में रहने का योग्य नहीं है। ये अपराधी भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग अपने विरुद्ध भ्रष्टाचार की आवाज को दबाना चाहते हैं, इसके विरोध में हम लोग आज गवर्नर के यहाँ जाएंगे। पटना में हुए लाठीचार्ज को लेकर जीतन राम मांझी ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पटना में लाठीचार्ज का मामला सुनियोजित तरीके से करवाई गई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लाठीचार्ज के जरिए राजद ने बदला लिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इसलिए अगर प्रशासन के लोग कह रहे हैं तो कहा जा रहा था कि मिर्ची पाउडर फेंका गया था पुलिस के ऊपर, कहा गया है ना, क्या सबूत है बताओ ना। वो नहीं, वहाँ तो सब मिले हैं, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं वहाँ पर पुलिस के अनुसार। वहाँ पर नहीं नहीं, वो झूठा है। उन लोग का हो सकता है वही लोग कुछ लाए हुए हैं कुछ लोगों को करने के लिए और वही दूसरे पर इशारा कर रहे हैं। आज कोई मिर्ची और लेकर सदन में आपका लंबा अनुभव रहा है, इस तरीके से मार्शल आउट की घटना लगातार ना कैसे देखते हैं स्पीकर? मार्शल आउट तो दो गो का हुआ है, बदला तो वही ना हुआ है। 12 जून गलत की तो भी मार्शल आउट किया गया था, 11 12 आदमी को किया गया था। लेकिन इस तरह की गुणवत्तापूर्ण एक को कायरता कहा जाए, कायरतापूर्ण कार्रवाई आज तक हम 44। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज मामले में बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कहा कि जिस तरीके से नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने बर्बरतापूर्ण लाठी बरसाई है, ऐसा हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। सरकार द्वारा साजिश के तहत ये करवाई गई साजिश है। नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है, वैसा उदाहरण हिंदुस्तान में कभी देखने को नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा इस बात की सूचना दी थी कि हम मार्च करेंगे और सूचना के बाद जब डाकबंगला चौराहा पर पहुंचने के साथ ही पहली बार देखा गया कि आप वाटर कैनन का प्रयोग कर रहे हैं, उसी समय आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और लाठीचार्ज भी उसी समय हो रहा है। कहीं भी नियम होता है कि अगर वाटर कैनन से नहीं कंट्रोल में आए तब गैस के गोले छोड़े जाते हैं आंसू गैस के, और उसके बाद फिर लाठीचार्ज होता है। लेकिन सब कुछ नीतीश कुमार के आदेश से एक साजिश के तहत एक साथ तीनों कार्रवाई की गई। एक शांतिपूर्वक चल रहे जुलूस के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना और बार बार यह इल्जाम लगाया जाता है कि बैरिकेड तोड़ा गया, पेपर स्प्रे किया गया, एक वीडियो एक फोटो कोई नहीं दिखा सकता है कि बैरिकेड तोड़ा गया हो या किसी प्रकार का दुर्व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने किया हो। कल लोकतंत्र की हत्या नीतीश कुमार और तेजस्वी ने किया है और इन दोनों को बिहार की जनता सबक सिखाएगी। बिहार में जिस